Hey y'all, welcome back to my channel. If you are new to this channel, subscribe. तो अभी फिलहाल जैसे कि मैंने आप सबको दिखाया कि हम लोग पहुंच चुके हैं एंट्री गेट पे, जहाँ से 16 किलोमीटर चल के जाना, ठीक है। पहले हम लोग रुके थे 4 किलोमीटर पीछे, वहाँ से फिर जहाँ पे जमीन के अंदर से गर्म पानी आता है, हाँ, और फिर वहाँ से नहाएंगे और नहा के तो निकले, पर वहाँ से हम लोग थोड़ा हल्का पानी मारेंगे ऐसा गरम गरम, और फिर वहाँ से जाएंगे। और हमारी को ठंडी लग रही है, यहाँ का टेम्परेचर ऑलमोस्ट होगा 17 या 16, ऊपर 9 या 10 है, और बहुत सारी भीड़ है। देखो मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो चलो फिर सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जाते हैं गौरीकुंड। एक तरफ ठंडा पानी, ये दूसरी तरफ गौरीकुंड, जहाँ पे एकदम गर्म पानी निकलता है, और ये सारे यहाँ पे आके नहा रहे हैं। ये जो आपने देखा वो बिल्कुल अनरियल था, बिकॉज इस तरफ है एकदम ठंडा पानी और उस तरफ था पूरा गर्म पानी था। जो आप लोगों ने भाप देखा होगा वो गर्म पानी का था, अभी मैंने खुद देखा है। अभी आपको बिलीव होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते। ये एक तरफ पहाड़ों के बीच से बहता हुआ एकदम ठंडा पानी, और यहाँ पे दूसरी तरफ है यहाँ पे गौरीकुंड, जहाँ पे एकदम गर्म पानी है। तो जैसे वैष्णो देवी में घोड़े लगे रहते हैं लेके जाने के लिए ऊपर, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही घोड़े लगे हुए एक साथ में, ऐसे पूरा लंबा वहाँ तक रास्ता है, पर यहाँ पे स्टार्टिंग है, यहाँ से घोड़े मिलते और ऊपर जाने के लिए। और अभी तो बारिश चालू हो गई है फिलहाल, ये एकदम मस्त ठंडी लग रही है मैं बताऊँ, और वो झरना देखो सामने एकदम मस्त। चलिए हम लोग जादू बन चुके हैं, सब लोग जादू बन चुके हैं। फाइनली मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, लाखों रील्स, हजारों वीडियो, और कम से कम 100-200 यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे, और लाइव देखने में कैसा लग रहा है? ये तो मेरा सपना था, जो पूरा हो गया। तो गाइस माई क्वीन अब यहाँ से अलविदा करेगी, हमें छोड़ के चली जाएगी। माई जाएगी घोड़े से, क्योंकि माई मेरी तबीयत खराब है और तुम चल नहीं पाओगी, इसीलिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम आ पाएंगे, किसी दिन जाएंगे, बट बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं आ पाते, बट डोंट वरी, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स हो तो हम सब आप सबके लिए भी प्रे करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे ऊपर जाकर बाबा केदारनाथ से कि आपको भी जल्दी बुलाए और आप लोग भी आओ और यहाँ पे दर्शन करो। बहुत मस्त है, देखो अभी बारिश हो रही है और पीछे देखो कैसे, पर अभी माई चली जाएगी इससे, उसके बाद फिर हम लोग चल चल के ट्रैकिंग पे जाएंगे, फिर माई को ऊपर मिलेंगे। तो बेटा आप भूल जाओ, ठीक है। सब माई जा रही है घोड़े से बैठ गई है। बाय बाय माई, अपना ख्याल रखना, आराम से जाना, ठीक है। तब ये जाएगी घोड़े से, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे चल चल के, बारिश भी थोड़ी तेज हो गई है। तो गाइज अभी यहाँ तक पहुँचने के बाद 1 किलोमीटर हो गए, 1 किलोमीटर के बाद अभी सब कुछ लिए मैं फटाफट चलते चलते आ गया, और काफ़ी अच्छा है यार, पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। पर यहाँ पे ना बीच बीच में सीढ़ी है, उसके बाद फिर वाटरफॉल है, मैं बताओ कैसे ऐसा वाटरफॉल आ रहा है बीच बीच में, और फिर चढ़ाई बहुत लंबी है यार। तो ऐसा आप लोग को लगता होगा वीडियो में देख के, मुझे जैसा लगा था जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि पहाड़ के बीच में से ऐसा चल के जाना होता है, पर यहाँ पे रोड नहीं है, बट कटे कटे पहाड़ है और सीढ़ियाँ है।
और ये देखो रास्ते के बीच में जाते जाते आपको ये मिलेगा, यहाँ से पानी बह के जा रहा है पूरा नीचे, यहाँ से भी पानी जा रहे हैं। और ये व्यू देखो, अभी तो 1 ही किलोमीटर हुआ है, बाकी का आगे बहुत कुछ बाकी है। मैं बताता हूँ, मेरे फ़ोन की बैटरी भी डिस्चार्ज हो रही है, 46% बचा हुआ है फिर भी। पर मैं आगे रुकूंगा कहीं पे, कोई दुकान से वहाँ पे चार्ज लगाऊंगा। इसमें ना बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी है। चलो मैं आगे मिलता हूँ, बताता हूँ। बैटरी बहुत कम है, मेन सी। फाइनली ऑलमोस्ट हम लोग चारों जन 1.5 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं, अभी यहाँ से सीधा जा रहे ऊपर के लिए। और बहुत मज़ा आ रहा है रास्ते में अभी तक का। वैष्णो देवी गए थे, हद से ज़्यादा आ गया। पहली बार हम लोग ने रास्ते में चलते झरना ये वो बहुत कुछ देखा, नहीं देखी थी, ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एकदम पहाड़ वाला वाइब है, एकदम नेचुरल है पता है, और बहुत मस्त है। अभी बस चलने में थोड़ी हालत हो रही है, पर ठीक है। चिटकी लग रहा होगा, सुबह के 3-4-5 बजे हो गए, पर अभी बज रहा है 11:30। और पता है ना, 50 मीटर पीछे कुछ दिख रहा है ना, 50 मीटर आगे कुछ दिख रहा है। इस तरफ भी अंधेरा है, देखो धुआं धुआं है पूरा, और पीछे जहाँ से हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे भी पूरा धुआं धुआं है। और अभी भी 3.5 किलोमीटर हुए, 3.5 किलोमीटर हुए, अभी भी चल के जाना है। अपने वस्त्र धारण कर लिए, मतलब कि रेनकोट पहन लिया, क्योंकि बारिश हो रही है। और अभी अभी जाते जाते एक बंदा बोलता है कि भाई आगे हालत बहुत ख़राब है, घोड़ा कर लो। पर जो चल के जाने में मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी आगे का क्या सीन है पता नहीं, फिर भी देखते हैं। मिलेगी आप सबको और बिस्लेरी से अच्छा क्वालिटी ये देखो। अगर वो मैगी खानी ऊपर आगे, एडजस्टमेंट देखो, मैगी इधर, पराठे वो चौका बेलन अपने पैर पे रख के मस्त बना ले। पेट दिख रहा है, पेट अरनाथ 10.5, मतलब 5.5 किलोमीटर आ गए हम लोग। तो अभी ऑलमोस्ट हो गए 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और बाकी रह गया। तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, पता है क्या, ये जो पत्थर गिरे हुए हैं ना, ये पूरे लैंडस्लाइड की वजह से गिरे हुए और ये रास्ते के बीच में गिरा हुआ है। पर एक बात बताओ, जैसे सब लोग बोल रहे कि लैंडस्लाइड हो रहा है, बादल फट रहा है, पर ये सब होने के बाद भी यहाँ पे बिल्कुल भीड़ कम नहीं है, बहुत सारे लोग आ रहे जा रहे हैं। मेरे बीच में बैठ गए, फिर ब्लॉग बनाओ। और इतना भीड़ है ना, ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग हैं। और पीछे देखोगे ना, अभी भी इतनी सारी भीड़ है ना, इतनी सारी। ये जो कुछ भी दिख रहा है ना आपको, ये सब भी लैंडस्लाइड के वजह से ही हुआ रहेगा, हुआ है। और सब उल्टा यहाँ पे मजे ले रहे हैं, पता है, वो ऊपर से पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा, अभी बादल आ गए फिर से। तो यहाँ से बेसिकली रास्ते डिवाइड हो जाते हैं, मतलब एक आता है इस तरफ के लिए और एक ये जाता है दूसरी तरफ, जो कि, और ये वाला रास्ता एकदम शॉर्टकट है, यहाँ से आप लोग सीधा ऊपर जा सकते हो। फर्स्ट डे बताने का तुम लोग को, शॉर्टकट रास्ते रास्ते ऊपर जाने के, नीचे आने के, तो मैंने बता दिया ये ऊपर जाने का रास्ता, यहाँ से सीधा ऊपर जाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी।